हाय गाइस, वेलकम टू फंड्स वेस्टिंग। इंडिया में 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और 80% से ज्यादा स्कीम्स ने पिछले 5 सालों में फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड के रिटर्न से तो ज्यादा ही कमा के दिया है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने तो 30% तक का सालाना रिटर्न भी कमा के दिया है। पर सवाल तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज ऑन म्यूचुअल फंड्स, और ये उस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उनके थ्रू इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए आइए अपने बचपन के दिनों में चलते हैं। ये तो आपको याद ही होगा कि बचपन में आप अपनी पास वाली दुकान से चॉकलेट लेने जाया करते थे, और जब पैसे कम पड़ जाते थे तो आप अपने दोस्तों को बुला लेते थे, फिर आप सब मिलकर पैसे डालते थे और चॉकलेट खरीद कर जिसने जितने पैसे दिए होते चॉकलेट को उस हिसाब से बांट लेते थे। म्यूचुअल फंड्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी सेविंग्स एक AMC दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। उन पैसों के बदले AMC उन्हें अपना एक हिस्सा दे देती है यूनिट्स की फॉर्म में, और फिर इन्वेस्टर्स द्वारा दिए गए पैसों को मैनेज करती है, जिन्हें हम बुलाते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। AMC मेनली दो टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। पहला है इक्विटी दैट इज कंपनीज के शेयर्स में, और दूसरा है डेट दैट इज कंपनीज के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा में। फिर उनसे जो भी इनकम होती है वो प्रोपोर्शनेटली यूनिट होल्डर्स में बांट दी जाती है। पर हाँ, इस पूरे प्रोसेस में कुछ खर्चे एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी करने पड़ते हैं, इसीलिए आप तक इनकम पहुंचाने से पहले वो उन खर्चों को कवर करने के लिए कुछ फीस भी ले लेती है, जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशो। ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक AMC है जो कि 100 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैनेज कर रही है, जैसे कि ICICI ब्लू चिप फंड, वैल्यू डिस्कवर फंड, मल्टी कैप फंड एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम खुद इन्वेस्ट करने की जगह म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों करें, तो आइए अब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करने के फायदे भी जान लेते हैं। हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए फंड मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं, जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स, एक्सपर्टीज और नॉलेज हो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की। म्यूचुअल फंड मैनेजर हमारी इन्वेस्टमेंट की देखरेख करते हैं, जहां भी हमारे पैसे इन्वेस्टेड हो वो उनको मॉनिटर करते हैं और उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से हम डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं, यानी अगर हमारी सेविंग्स किसी एक कंपनी के बदले मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टेड हो तो हमारा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर उनमें से किसी एक कंपनी में लॉसेस हो भी जाते हैं तब भी वो हमारी इन्वेस्टमेंट का एक छोटा हिस्सा ही होगा, और बाकी कंपनीज द्वारा कमाए गए प्रॉफिट उस एक कंपनी के लॉस को कवर कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारे पैसे डालने होंगे इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम छोटी से छोटी रकम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स की SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि सिर्फ 500 रुपए से शुरू की जा सकती है, जिसमें हर महीने हमारे बैंक अकाउंट में से 500 रुपए निकालकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होते जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक RD यानी रेकरिंग डिपॉजिट में होता है। SIP बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि हम उन्हें अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। SIP के अलावा हम लमसम यानी एक बार में ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कम से कम हमें 5000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। एंड गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आपके पास ज्यादा नॉलेज और टाइम नहीं है रिसर्च करने का, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से आपके लिए कौन सी ठीक है, ये पता लगाने के लिए हमें उस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के गोल, रिस्क, बेंचमार्क, एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो जैसी चीजों को समझना होगा, जिनकी चर्चा इस म्यूचुअल फंड सीरीज के हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज के लिए तो इतना ही। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो
was for educational purpose only. Thanks for watching.